झारखंड के लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी से केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत की प्रतिष्ठा दांव पे है और उन्हें चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत पूरे परिवार के साथ। उन्होंने वोटिंग किया है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि इस बार नेशनल इश्यूज जो है वही डोमिनेट कर रहा है, लोगों को लोकल इश्यूज से मतलब नहीं है, उन्हें नेशनल सेफ्टी नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, क्या लगता है ऐसे में फिर कांग्रेस की कितनी चांसेस रहती है? सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि नेशनल इश्यूज हैं, साथ ही साथ जो जिसे फंडामेंटल इश्यूज कहते हैं या जो बेसिक नीड्स जो होते हैं वो इश्यूज भी बनते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये बॉक्साइट की नगरी, मिनरल्स काफ़ी यहाँ पे हैं, लेकिन महिलाओं का सबसे ज़्यादा पलायन है यहाँ से है, और जो मेड के रूप में काम करती है बड़े महानगरों में, जिस प्रकार उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ब्लैक ब्यूटी के नाम पे जाने जाते हैं, उसके बारे में ब्लैक पर्ल बोला जाता है, उसके नाम पे मंत्री जी जिसे कहा जाए वो मौन है, सरकार उसके बारे में मौन है। और आपने कहा नेशनल इश्यूज के बारे, तो मैं बताऊं कि 2014 में नेशनल इशू के थे नहीं, जैसे राष्ट्रवाद अलगाव की बात नहीं थी, मोदी जी सत्ता में आए 2019 में इशू बन गया। इसका मतलब ये है कि मोदी जी के सत्ता में आते ही राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई, और राफेल डील उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो प्रशासनिक मैसनरी है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में उनकी भूमिका है, ये कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए एक जिसे कहा जाए अच्छा संकेत नहीं है, और प्रशासन के प्रति लोगों की जिसे आस्था है वो घटेगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि थर्ड टर्म कंसेक्यूटिव वो आई कर रहे हैं, आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? 100%। मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई हो गई है एक तानाशाह प्रवृत्ति के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्सेस आम लोग हैं। आम लोग ये मान रहे हैं क्या संविधान के अनुसार देश चलेगा, क्या लोकतंत्र बचेगा या नहीं चलेगा, या इस प्रकार के जो राजनीति में गिरावट आई है, राजनीतिक मूल्य चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इन सारी बातों को ले जनता आंदोलित है। और इसलिए मैंने कहा कि नेचुरल जिसे स्वतः स्फूर्त कर रहे हैं वो वोट कास्ट लोग कर रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा एक तरफ तानाशाह प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे पर आम जनता है। अनुपमा भगत जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि महिलाओं की क्या स्थिति है लोहरदगा में, और ये कितना बड़ा एजेंडा है यहाँ वोटिंग का? महिलाओं की स्थिति इस बार, जैसे कि मैं फील्ड में निकली थी तो देखा कि महिलाओं में इस बार थोड़ा सा कुछ और ही ज़्यादा मतलब जागरूकता बढ़ा है। हाँ। और वो एक तरह से उत्साहित भी हैं कि नहीं हम लोग वोट देंगे, और अपने आपस में एक दूसरे से उन लोगों ने थोड़ा सा समस्याएं जो है वो एजेंडा है। अच्छा, वो हाँ, जैसे जाने के बाद एक उन लोगों के बीच में आया कि हाँ हमें ये रसोई गैस या चूल्हा जो भी इन लोगों को जो मिला वो मिल तो गया, लेकिन दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम लोग गरीब हैं, जो हम महंगाई है बिल्कुल जो है एक बजट का सवाल होता है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, इनका मानना है जो फीडबैक है इनके पास कि वो जो है बेशक जो है केंद्र की तरफ से योजनाएं लागू की गई है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना ही मुश्किल है, ब्रेड एंड बटर मुश्किल है, तो गैस लोग कहाँ से भरवाएं। फर्स्ट टाइम वोटर है इनके पुत्र, इनसे बात करते हैं, कैसा लगा फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं आप? लोकतंत्र ने एक अधिकार दिया है, किस तरह से देखते हैं इसको? एक वोट भी इलेक्ट करते हैं। पहला बात, फर्स्ट टाइम वोट के बाद बहुत एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने को मिलता है, तो वो प्राउड फीलिंग है, एक फर्स्ट स्टेप डेमोक्रेसी में एक मेरे को मिल रहा है अभी के लिए, और इसका अच्छा से फ़ायदा उठाया जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके साथ। ये बता रहे हैं एक्साइटेड हैं। ये बताइए कि यूथ्स जो है उनकी क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी वगैरह क्या एजेंडा बन पाया इस बार? जरूर, मेरे हिसाब से बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है झारखंड में। अभी कुछ ही दिनों की बात है, जब मैं गुमला गया हुआ था इसी चुनावी दौर पर, तो गुमला का एक स्टेट टॉपर था, वो बोल रहा है बताइए मैं स्टेट टॉपर हूँ, अब एक कपड़े दुकान में मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। उसका कहना है कि जो एक एजुकेशन लेवल है, जो एक बंदे का लेवल होता है, उस हिसाब से उन जो रोज़गार उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये इस तरह का जो है रिएक्शन आ रहा है इनके परिवार के तरफ से, और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है, इनका मानना है कि नेशनल इशूज़ डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं वो भी काफ़ी अहम हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, लोहरदगा।